ओके बेटा कीप क्वाइट नाउ, आवाज ना जा भाई। माता आगे ड्राफ्ट बुक ली कल, 9th ड्राफ्ट, ठीक है। उन्हें के अंदर 8 क्वेश्चंस होया, जिनमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होया, कुछ एमसीक्यूज गिवन होया। उन्हें ते थोड़ो प्रैक्टिस करे था बटो, कुछ एमसीक्यूज मां कल भी प्रैक्टिस कराया था। आज आज भी उन्हें मोमेंटम आई उन्हें कंडीशन पे डिस्कस के होता गया। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक पान बहस करदा सी वो ही दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उन्हें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर पान कोलिजन भी डिस्कस करदा सी, आई इलास्टिक कोलिजन का कुछ केसेस होता, कुछ के डिफरेंट एमसीक्यूज उन्हें ते आया ने, वो एमसीक्यूज अब सॉल्व करदा सी। अच्छो बहरहाल सभी का पहला पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन दे जाऊं था जेका ड्राफ्ट मा ता ने बुक ली हुई, अगर ता वट मौजूद हो जे ता देखो आप वो ओपन करे छ। फर्स्ट क्वेश्चन था जेको इंडिकेट 2010 में आया था, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ कार एंड चेंजेस इट्स मोमेंटम फ्रॉम 36 न्यूटन इनटू सेकंड टू 60 न्यूटन इनटू सेकंड। भाई अमाउंट ऑफ फोर्स के कार ते लगो आ, आई फोर्स केत्रो लगो आ 12 न्यूटन जो, उने जी मोमेंटम थिया चेंज, आई मोमेंटम के थी चेंज थिया 36 टू 60। अच्छा चेंज मोमेंटम जो मतलब चाहे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी के 60 माइनस 36 पे हो, तो 60 माइनस 36 अगर कंदो घण जो अभी दो 24 न्यूटन इनटू सेकंड, नेता के छाबी ने जी चेंज मोमेंटम। सवाल के तो बियो द टाइम ड्यूरिंग व्हिच दिस चेंज आकर विल बी, ता के छा मालूम करनो आ, ता के मालूम करनो आ टाइम जे टाइम में या मोमेंटम चेंज थिया जी, केड़ो फार्मूला लगंदो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, यानी के फोर्स चाहे बराबर आ, फोर्स बराबर आ डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डी, ए जे कड़ी में जो एफ ए जे कड़ी है जो D is equal to delta P divided by F, delta P केत्रो चेंज दे हुआ 24 न्यूटन इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय फोर्स केत्रो गिवन होयो 12 न्यूटन, हाउ मच टेंशन बनी दी, सो द आंसर इज 12 न्यूटन, यू कैन गेट कैंसिल इट बिकम सेकंड देयर, यानी कि उनके केत्रो वक्त लगंदो बिन सेकंड जो वक्त लगंदो ने मोमेंटम के चेंज करण देला, यानी द फोर्स की वैल्यू केत्रिया 12 न्यूटन याद रखी सकदे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दे जो, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 400% द मोमेंटम विल बी इंक्रीज्ड बाय, जेकर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज थे आई काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंटेज इंक्रीज थे 400% इंक्रीज थे, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय कितना इंक्रीज थे 400% जे तो पे जका परसेंटेज मोमेंटम में इंक्रीज दी हुआ कितनी थी। अच्छा यू आर फैमिलियर विद द फार्मूला, कल असा रिलेशन पढ़ियो सी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम जो, छा फार्मूला पढ़ायो माता के मां पढ़ायो तो काइनेटिक एनर्जी छाजे बराबर आ मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एब्रो, यो फार्मूला पढ़ियो सी, एने में मोमेंटम गिवन हो तो छा फाइंड कर दो ता काइनेटिक एनर्जी। अच्छा इने नहीं थोड़ी चेंजिंग कयो 2m डिवाइड तो करे हो जे वाली छा कंदो मल्टीप्लाई तो को जका मोमेंटम आ वो आ छाजे बराबर की पवंदी अंडर इंटीग्रल ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m है जे तो स्क्वायर खत्म करन दे लाता रेडिकल दीदा तो मोमेंटम चाहे बराबर की पौंदी रेडिकल ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। हाने डिसाइड कयो त हिने न्यूमेरिकल के सॉल्व करन दे लाए मा फर्स्ट रिलेशन इस्तेमाल कया या सेकंड रिलेशन, सेकंड रिलेशन तो द काइनेटिक एनर्जी गिवन था होता आसा के मोमेंटम फाइंड कर लिया काइनेटिक एनर्जी सॉल्व क्यों। अच्छा बात आगे कर के स्टेप्स पढ़ाए चुको आया जेका काइनेटिक एनर्जी में चेंज आई माना फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुआ छाती पवंदी हुआ की पवंदी एक तो हमने जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में पार जोड़ करना सी छा जोड़ करना सी जितना परसेंटेज इंक्रीज आया है कितना परसेंटेज इंक्रीज आया 400% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये माता के कल मेथड बुधायो हो माना एक तो काइनेटिक एनर्जी उन्हें जी गिवन था जे का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जे तो इंक्रीज्ड बाय माना उन काइनेटिक एनर्जी सा कनेक्टेड भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज थई आ इंक्रीज जो मतलब प्लस हो तो 400 साइन में ऐड करे छिना सा अगर अच्छा परसेंटेज के खत्म कयो डिवाइडेड बाय 100 तो काइनेटिक एनर्जी बराबर की दी प्लस 400 100 सा डिवाइड के उधर 4 काइनेटिक एनर्जी तब जो का फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी थी वो आगे तेरी भी थी सवट 5 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आने में वैल्यूज के पेशन तरीके से सॉल्व करना है। कल भी प्रो एमसीक्यू जो बाद में तुम समझा चुके हो आता आगे इन एमसीक्यू जो पैटर्न याद करो काइंडली आने बुझो मोमेंटम में आया चेंज तो द काइनेटिक एनर्जी चेंज था यार
तो मोमेंटम में जेका चेंज आया उने के मा मोमेंटम प्राइम चवा माने फाइनल मोमेंटम हुआ छाडे बराबर थी दी हुआ बराबर थी दी रेडिकल ऑफ 2m आई काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी प्राइम देयर उने का बाद में हे असा वटा मोमेंटम प्राइम इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी चेंज 2 रिमेन सेम m रिमेन सेम काइनेटिक एनर्जी जी का फाइनल वैल्यू हुआ केती बिठी आसा वटा 5 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी 5 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी वैल्यू बिठी अच्छा जेका मोमेंटम जी प्राइम थी पवंदी हुआ बराबर थी पवंदी अंडर रेडिकल ऑफ हाने दिसो सब वैल्यू सेम है सिर्फ फर्क छ जो बीच हुआ एग्जैक्ट 5 जो बुद वेर दिसो अंडर रेडिकल 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रेडिकल 2m काइनेटिक एनर्जी सिर्फ छ जो डिफर 5 जो मैंने 5 जो अंडर रूट कटी छै आई 5 के अंडर रूट के निकल दो तकरीबन 2.2 तो एप्रोक्सीमेटली मा कह सका दो तो 5 बाय 5 जो अंडर रूट के थ्रू आ 2.2 बाकी ब्रैकेट के अंदर छा बचो 2m काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर थी 2.2 हे मुकम्मल की मोमेंटम आ इनिशियल मोमेंटम तो खाली मायने के इनिशियल मोमेंटम लिखी चले बताता समझो सर असा इन 2 के 5 सा मल्टीप्लाई कयो करे सपोर्ट का वरी भूली पोंदो चाहे करे जो त 2m के जो फैक्टर ता बैठा रहो तो उन सा चेंजेस न कयो जेका गिवन पे जो छे ने सिर्फ उन सा चेंजेस ता क्रिएट करन चाहियो तो तने मा अंडर रेडिकल 5 सॉल्व कयो आई वो केत्रो निकलो मुझे लाए 2.2 कुछ अंडर रूट जो वैल्यूज याद रखी छे वेरी दिसो रेडिकल ऑफ 2 केत्रो हुतो 1.41 अच्छा उने का बाद में रेडिकल 3 1.7 उने का बाद में रेडिकल 4 केत्रो जो आबी तो 2 आई रेडिकल ऑफ 5 केत्रो हुतो 2.2 ये कुछ कांस्टेंट टर्म्स याद उधर रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स अच्छा हाने को तो ये तो फाइनल मोमेंटम आ लास्ट स्टेप असावडियो कोने हाने जी काइनेटिक एनर्जी के ता लिखियो न इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेट काइनेटिक एनर्जी इने के भी तांडोड़ियो आई इने के किए टोड़ीदा से भी दिसन में किए टोड़ीदा से जेका फाइनल मोमेंटम हुंदी उने के माने की सका तो इनिशियल मोमेंटम प्लस 1.2 ऑफ द मोमेंटम छोटे ये को 2.2 पी या इने जो मतलब बात पी जो को 2.2 टाइम्स आयला त एकदम ही मायदा अवे कयो बाकी 1.2 पी जी वैल्यू साथ पे ले करे हाने सा छा कदा से इने वैल्यू के परसेंटेज में तब्दील करे छियो तब जेका फाइनल मोमेंटम मिलंदी वोआ बराबर मिलंदी इनिशियल मोमेंटम प्लस वैल्यू के जने परसेंटेज में तब्दील करनो होदो छा सा मल्टीप्लाई करा 100 सा यानी के मल्टीप्लाई बाय 100 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो फाइनल मोमेंटम में केतरी चेंज दी प्लस घणो आयो 120% ऑफ मोमेंटम यानी के मोमेंटम में जका परसेंटेज इंक्रीज दी हुआ केतरी दी 120% इंक्रीज अगर काइनेटिक एनर्जी जी परसेंटेज इंक्रीज घणिया 400 तब जका मोमेंटम में परसेंटेज इंक्रीज केतरी आवा 120% इंक्रीज आ ओपन योर कॉपीज आई बुक हेता सॉल्व कर निकाल क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में परसेंटेज मोमेंटम इंक्रीज मिलेला नहीं केतरी मिलेला 20% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर निकाल केड़ो रिलेशन इस्तेमाल करना इन सेम मेथड सा फर्स्ट वन छा न्यूमेरिकल नॉनलीनियर मेथड का जेको भी आए सॉल्व करना जेको भी स्टेप आए सॉल्व कर अच्छा लुक इट डाउन परसेंटेज ऑफ मोमेंटम इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी थोड़ा समझो दिसो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम गिवन आ ना कितनी गिवन आ 20% अगर ने सॉल्व कियो तो मोमेंटम की परसेंटेज के स्प्लिट करन पा बुदो परसेंटेज इन मोमेंटम माने समझो तो फाइनल मोमेंटम हाने जेका मोमेंटम वधिया माने जेका मोमेंटम इंक्रीज थिया हुआ केतरी परसेंटेज आ 20% माना एक तो उनकी इनिशियल काना का मोमेंटम होती उन इनिशियल मोमेंटम में जोड़ कयो चार जोड़ कंदासी 20% वेरी सो इन की इनिशियल मोमेंटम छाए पी उन इनिशियल मोमेंटम में 20% जोड़ कयो यानी के प्लस ऑफ 20% मोमेंटम ये पेरेंट्स के हाने ने जी परसेंटेज जोड़ियो अगर परसेंटेज डिवाइड करदा से अच्छा जोड़ियो तो यानी के डिवाइडेड बाय 100 तो को ए पी प्लस डिवाइडेड बाय 100 क्यों केत्रो जवाब दियो 0.2 ऑफ पी पी प्लस 0.2 पी अगर ये ऐड कर जाते ये समझो ये 1 पी आ 1 पी प्लस 0.2 पी 1 पी ये 0 बाद में ऐड के अंदर इट बिकम्स 1.2 पी ये आता है कि मिलेगी जी फाइनल मोमेंटम
ये समझो तो है ते 1 आ एंड ये 0.2 आ तो 1 के 0 सा जोड़ पे हो तो 1 एंड ये 0.2 1.2 आपका फाइनल मोमेंटम इतने भी दियो स्टेप हो ने रिड सुन काइनेटिक इतना नीचे ने गिवन है तो बिना सर कंट्रोल हो उसकी ना एनर्जी परसेंटेज डिवाइड की सी तो है भी नहीं मिली ना भरी जोड़ के उसी देर तरीके था को स्टेप पर अच्छा ने बोलो काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लिया ना तो केड़ो फार्मूला इस्तेमाल में फर्स्ट वन या सेकंड वन फर्स्ट वन मालूम कर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m पर फाइनल आते ने के बिना फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर गया बुदो वाले जेका फाइनल मोमेंटम आए उने जी वैल्यू केतरी कडी है सेसा 1.2 ऑफ द इनिशियल मोमेंटम तो काइनेटिक एनर्जी जेका फाइनल आ हुआ बराबर थी पौंदी 1.2 ऑफ द इनिशियल मोमेंटम होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m हाणे जेको b के स्क्वायर कंदा से एक त 1.2 के स्क्वायर कंदा से बियो b के स्क्वायर कंदा से ता जो का 1.2 के स्क्वायर सा है बाकी p स्क्वायर के साथ ही रखनो आ अगर 1.2 जो स्क्वायर के अंदर कितना मिलतो 1.44 p स्क्वायर अपॉन 2m अच्छा जगह p स्क्वायर अपॉन 2m आ इरा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ते इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी पावंदी जीए मोमेंटम फाइनल के टोडियो से रेडी सो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम प्लस 20% ऑफ मोमेंटम इते इना काइनेटिक एनर्जी के टोडियो बिने सब में अगर इना जो 1 डिवाइड कयो माने अलग कयो तने के बाद की सब तो काइनेटिक एनर्जी प्लस 0.44 टू काइनेटिक एनर्जी जेकर मां इने के 1 कंसीडर कया तो 1 एंड 0 बड़ा दिला 1 दिया साबो ही जवाब तो मिलियो हाने ता जो का मेन वैल्यू सा ना है ता जो का मेन वैल्यू सा है इने के 100 सा मल्टीप्लाई के परसेंटेज मिली को मिली तब जो का फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ हुआ बराबर की पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस मल्टीप्लाई बाय 100 0.44 मल्टीप्लाई बाय 100 केत्रो जवाब ही दो काइनेटिक एनर्जी प्लस 44% ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाँ बुद्धो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में केत्रो इंक्रीज थे हुआ 44% ना यानी कि इन्हें जवाब चाहे इन्हें जवाब आते हैं मेरे का परसेंटेज इंक्रीज थी हुआ 44% इंक्रीज थी हुआ जेको क्लास फर्स्ट ईयर जो ग्रुप बुक आयो ना उन्हें जो शायद नहीं आ रही चैप्टर के अंदर यो एमसीक्यूज गिवन तो अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज थे तो काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज इंक्रीज थी हुआ केत्रो थी 44% बजाय जो ता इनके याद कयो या रटो हणो इट इज बेटर कि ता ने दिसो ते के तरीके सा इक्वेशन मिले थी भाई कंफ्यूज ना थणो ये टर्म्स इन तरीके सा रिलेट करना है मा कल भी रिपीट कयो हम तो काइंडली इन जे शॉर्टकट्स से ना मतलब उन शॉर्टकट्स जो कुछ लिमिटेशंस होंगे वे शॉर्टकट सिर्फ इन जगह पे एप्लीकेबल उन्होंने का बदी करना है तो एक्चुअल मेथड ही आ इनमें तो टाइम भी कोने तमाम शॉर्ट टाइम में ता इनके सॉल्व कर सको तो एक्चुअल मेथड से चलो क्वेश्चन नंबर 3 दे दो आते सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 दे जो इन ड्राफ्ट के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 4 आ क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्यूशन दिस जो अ बैट्समैन हिट्स द बॉल हिट्स अ बिग बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड चेतो पियो एकड़ो बॉल एकड़ो बैट्समैन आ जेको बॉलर मतलब बॉलर के बॉल है हुआ आई बॉल के जने हिट तो करे ता उन जी इनिशियल स्पीड चेंज नदी पई दे पर उन जी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज थी हुआ माने जेकर स्टार्टिंग में बॉल हेडे पियो छे हे ने जी इनिशियल वैल्यू हुई ता बदले में जेका इनिशियल वेलोसिटी आ उने के मा छा कर दो उने के मा कर दो 12 मीटर पर सेकंड एतरी वेलोसिटी सा हुए छे पियो वरी वही जो बॉल आ वही काडे ले वरी वापस हले वयो बट विद द सेम इनिशियल स्पीड माना फाइनल वेलोसिटी केतरी थी 20 मीटर पर सेकंड पर फर्क यो है ते शादीदास के साथ माइनस दीदास के साथ माइनस चार्जे कर दीदा से तो डायरेक्शन अपोजिट थी हुआ बॉल अचे तो पियो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड सा माउन के हिट कयो वरी भी केतरी स्पीड सा वयो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड सा पर डायरेक्शन अपोजिट थी हो पहला बॉल अचे पियो वो बॉल बने पयो अच्छा अगले चाहते थे अगले चाहते हो इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 किलोग्राम अगर इन जो मास 0.15 किलोग्राम आ तो सवाल पूछो भयो फाइंड इट्स इंपल्स इंपल्स जो मतलब चाहे चेंज इन मोमेंटम इंपल्स जो मतलब चाहे हुंदो आ चेंज इन मोमेंटम सिंपल आ अच्छा चेंज इन मोमेंटम जा फार्मूला ता के खबर है एकरो इंपल्स जो फार्मूला कल लिख रहा हो मा ता के फोर्स इनटू टाइम या तो इंपल्स जो बियो फार्मूला चा लिख रहा हो मा ता के चेंज ऑफ मोमेंटम चा हुंदो आ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम चा के बराबर हुंदी आ एमबीएफ आई इनिशियल के थी हुंदी आ एमबीआर वैल्यू पुट कर दो ता के जो आंसर मिली पाओ हाँ काम भी ये हुदायो द इंपल्स के लाए ही पहले फार्मूला इस्तेमाल कया या इन इक्वेशन के अंदर बियो फार्मूला इस्तेमाल कया
Neither be created nor be, but it can change from one form to another form.
आणि मोमेंटम जो मतलब ही होतो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो मतलब चाहे द सिस्टम की जेका टोटल मोमेंटम होती ना वो कांस्टेंट रहती ना पानी होता जो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मतलब टोटल एनर्जी छा रहती कांस्टेंट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड माने के टोटल मास छा रहतो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो मतलब ही होया द सिस्टम की जेका टोटल मोमेंटम पढ़ना सी असा वो छा पढ़ना सी कंजर्वड या कांस्टेंट पढ़ना सी आणि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सा डिफरेंट एमसीक्यूज थी सगंता माना इन जी स्टेटमेंट मा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो डेफिनेशन समझ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो डेफिनेशन स्किड्यू के रुजी सगंते सबनी का पहला पहला डेफिनेशन ये आए तो एकड़ी कड़े सिस्टम एकड़े एड़े सिस्टम की गाल था क्यों याद कर जो मवार सिस्टम जो इस्तेमाल कया अगर ही डिफाइन कर दूं तो हमारा सिस्टम जो नालू आइसोलेटेड सिस्टम है बहरहाल असल के एकड़े सिस्टम की गाल करना सी आई उन सिस्टम जी जेका टोटल मोमेंटम होती वो टोटल मोमेंटम छा रहती कांस्टेंट रहती या मवार इस्तेमाल कर सका तो कंजर्व क्लियर है या ये पहली डेफिनेशन The total momentum of the system remains constant or conserved. जिका total momentum of system जो आ conserved रहती। अच्छा ये भी statement है। अगर momentum constant था, अगर momentum conserved था, तो momentum जी जिका change जावा छाते बराबर थी पावदी zero जे। Momentum constant था ना? तो जहाँ momentum में change नहीं थी, momentum में change नहीं थी तो बना momentum जी change zero जे बराबर। So by definition क्यों? जहाँ तक momentum constant रहती, क्या तो मोमेंटम जी चेंज आती थी चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड व्हिच क्वांटिटी इंपल्स अगर चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो आ माने इंपल्स जीरो आ एनर्जी फ्री स्टेटमेंट ही आया यानी कि मैं ये कह सका दो जेका इंपल्स आ सिस्टम जी वाचाडे बराबर थी पवंदी जीरो जे बराबर थी पवंदी मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट मोमेंटम की चेंज जीरो या तो इंपल्स आ बराबर थी पवंदो जीरो जे बराबर अच्छा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जे सिस्टम जे लाइ एप्लीकेबल आ उन सिस्टम जो नालो छा हुंदो आ उन सिस्टम जो नालो आ आइसोलेटेड सिस्टम छा नालो हुंदो आ उन जो आइसोलेटेड सिस्टम जाके चवंदा आयो इन व्हिच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स जे में के किस्म जो एक्सटर्नल फोर्स ना लगंदो ब ऑब्जेक्ट एक बे सा इंटरेक्ट करे सकंदा पर उन जे दरमियान में को ट्रियो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व न थे ता हिकड़े कंटेनर जे अंदर गैस पार्टिकल्स फिलअप करे छया सही है हन छा गैस पार्टिकल हिक बे सा टकराए जंदा न पर उन गैस पार्टिकल जे अंदर को ट्रियो फोर्स मतलब बाहरो फोर्स न लगे तो उन सिस्टम के छा चवंदा आयो आइसोलेटेड सिस्टम द आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल फोर्स ना लगदो इन जो मतलब छाए इन जो मतलब ही हुआ द एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू छा थी दी थे सही है अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो थी भाई इन जो मतलब बात सिस्टम की एक्सीलरेशन छा थी दी अगर सिस्टम की एक्सीलरेशन जीरो थी भाई तो उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के छा चवंदा इनर्शियल या नॉन इनर्शियल अगर एक्सीलरेशन जीरो हो जे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद रखी छन जो उनके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चवंदा आयो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मतलब छा हुंदो आ एकड़ो एड़ो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जेको या तो रेस में होजे या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी सा मूव करे रेस में भी एक्सीलरेशन छा हुंदी आ जीरो और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी एक्सीलरेशन छा हुंदी आ जीरो याद रखी छजो ये सब एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक दूसरे से तो A distatement थी सके थी जेके फोर्सेस बॉडी के लगंदा उन सब की बॉडीज जे फोर्स जो समझा जे बराबर आ जीरो जे बराबर इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन चाहे सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो तो बहरहाल इते भी फोर्स जो सम जीरो जे बराबर आ यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर ऐसा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ सको तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो सब डेफिनेशंस तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उन्हें के चवंदा आयो जे में सिस्टम की मोमेंटम कांस्टेंट रहे मोमेंटम की चेंज जीरो थे इंपल्स जीरो थे आइसोलेटेड सिस्टम हुजे एक्सटर्नल फोर्स न लगे
उनकी वैल्यू जीरो हुजे, एक्सेलरेशन जीरो हुजे, जे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नारो चाहे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आई उते चाह हो गयो दिया फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जेके चवंदा हूं सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो याद रखी छजो हाणे पाण चऊं था जी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ते द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मैथमेटिकल केड़े तरीके सा कैलकुलेट करदा असा जेका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ता सी वा मां तां के पढ़ाई दूं वन डायमेंशन के अंदर वन डायमेंशन जो मतलब छ है त जेके बॉडीज मूव कंदियो न उनन जो डायरेक्शन एकड़ो हुंदो डायरेक्शन डिफरेंट न थीदो या डायरेक्शन अपोजिट न थीदो मतलब किए इन दिस केस जेकर ही असा वटे ब ऑब्जेक्ट्स आइन ठीक आ समझ जो हने ये भाई ऑब्जेक्ट्स ये ट्रैवल करता ही इन दिस पाथ इन अ पाथ में ट्रैवल करता हाने जेकर ता इन मार्कर जो डायरेक्शन दिसो त इन मार्कर जो डायरेक्शन काले तो वने स्ट्रेट सिदो अच्छा इन मार्कर के दिसो भला इन मार्कर जो डायरेक्शन का दिया इन डायरेक्शन जो भी डायरेक्शन सेम आ यानी के बिनी जो डायरेक्शन सेम क्यों ना दैट इज नेम्ड एज वन डायमेंशनल मोशन इन के वन डायमेंशनल मोशन चवा छा ही अगर बई मार्कर एक बे जे वेजो अचन एक बे जे वेजो अचन तो छा यो वन डायमेंशनल मोशन थी सके तो द आंसर इज नो ना ना ये वन डायमेंशन जो द डायरेक्शन चेंज थियो हेर दिसो ए मार्कर हेले तो वने आ ए मार्कर हेले तो वने एक डायरेक्शन या बट डायरेक्शंस यो वन डायमेंशनल मोशन पाण केडो केस पढंदासी जेमे बग बॉल्स या बग ऑब्जेक्ट करे विदा सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करदा रहंदा याद रखी छड़ो सो पाण पढंदासी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वन डायमेंशन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ता है वन डायमेंशन के अंदर केस यो आ तो भाई ऐसा मतलब ब बॉल साइन ब ऑब्जेक्ट साइन ये तो ही ऑब्जेक्ट था जे जो मास m1 था इते एक तो बियो ऑब्जेक्ट था जे जो मास m2 था जे को ऑब्जेक्ट मास सा वने तो बियो वो वेलोसिटी सा u1 आई देखो m2 वने तो बियो कीड़ी वेलोसिटी वने तो बियो u2 वेलोसिटी सा लुक एट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन का यानी वन डायमेंशनल मोशन का याद रखी छजो द काल थे m1 भी हेजे तो ट्रैवल करे आई m2 भी हेजे तो ट्रैवल करे जी मुके बिनी कोलाइड करनो आ फिलहाल कोलाइड ना है कयो अगर कोलाइड ना है कयो त छा चवंदासी मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी के टकराएन का पहले हमारी मोमेंटम हाने बिनी के टकराएन हो अगर बिनी के टकराइंदा से त भई की टकराए जने जी वाली मोहन याद रखी छो ए आई एट द टाइम ऑफ कोलिजन अगर ये भाई एक बे सा टकराए जंदा तो जको m1 आ वो केते फोर्स हणदो m2 ते त न्यूटन जो थर्ड लॉ छा चवंदो आ जते एक्शन थिंदो आ उते बदले में रिएक्शन थिंदो आ त m2 वरी केते फोर्स हणदो m1 ते वो फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम जे लाइ लगदो आ वो फोर्स जको शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम जे लाइ लगे उन फोर्स जो इंपैक्ट वधी हुंदो आ या घट हुंदो आ जो घट बकती है लगे वधी यानी के फोर्स इफेक्ट वधी चाहो उन फोर्स की वजह सा छा थियो उन फोर्स की वजह सा जको ऑब्जेक्ट ए हुयो माना m1 उन m1 जो मास m1 रहयो पर वेलोसिटी छा में तब्दील थी वई v1 में आई जको ऑब्जेक्ट b हुयो जेके सा m2 चयो सी उन की वेलोसिटी छा में तब्दील थी वई उन की वेलोसिटी तब्दील थी वई v2 में माना हे सिनेरियो केड़ो हुयो बिफोर कोलिजन आई हे केड़ो सिनेरियो आ आफ्टर कोलिजन हाने ता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दे वनु लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम छा चवंदोआ त के सिस्टम की मोमेंटम छा रहंदीआ कांस्टेंट माना टकराएन का पहिरा वारी मोमेंटम आई टकराएन का बाद वारी मोमेंटम बई पाण में छा रहंदियो इक्वल थी वियो सो बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम की इक्वेशन छा बदलाओ b इज इक्वल टू mv हेते जो मास केड़ोआ वेलोसिटी छा एनर्जी तरिया है पहिरे ऑब्जेक्ट की मोमेंटम अच्छा उन में ता ऐड करो छा ऐड कयो इन जी मोमेंटम इन जो मास छा है वेलोसिटी छा है m2 u2 या बिफोर कोलिजन मोमेंटम बराबर हुजन गुरजे छा जे बराबर हुजन गुरजे आफ्टर कोलिजन इन जो मास छा है इन जी वेलोसिटी छा है बाद में इन जो मास छा रहयो आ इन जी वेलोसिटी छा दी वई ई आ इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम में जिका टकराइण खपे या वारी मोमेंटम वो बराबर थियण या टकराइण खां बाद वारी मोमेंटम थियण. या गाल समझ में आई? हाँ, या कंडीशन याद रखी छो अस इन के इस्तेमाल कहसी डिफरेंट केसिस के अंदर वो डिफरेंट केसिस हाँ डिस्कस कर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जी स्टेटमेंट इते हाँ इन इक्वेशन के पा एप्लीकेबल कहसी बिन केसिस के अंदर याद कर केडी ब केसेस हुंदियो केडी ब के केडा ब केसेस थी सकदा. पहिरो केस यो आ जने के बॉडी जी जेका इनिशियल मोमेंटम हुजे वो जीरो जे बराबर न हुजे. फाइनल मोमेंटम तो जीरो जे बराबर नथी थे पर इनिशियल मोमेंटम भी जीरो जे बराबर न थे. अच्छा मोमेंटम जीरो जे बराबर करनी आ मके छा करनो पोंदो समीर? बॉडी रेस्ट में हुजे. समझो ता अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो ना है मतलब बॉडी रेस्ट में ना है मूवी भी करे तने जो पहले केस यो थो जे इनिशियल मोमेंटम जीरो जे बराबर नथी थी. अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो जे बराबर न थे तो या सेम इक्वेशन मां जे अप्लाई करे सका तो तेरी इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. या इक्वेशन याद रखी छे इने जो न्यूमेरिकल इनो फेडरल बुक जे अंदर दिए वेला आयो पास्ट पेपर के अंदर भी सवाल आया ला. अच्छा उन के सॉल्व क्यों जे इनिशियल मोमेंटम जीरो ना रहे बुदो आने एमसीक्यू जिया असारे जो है अपनी ट्रक का जे ट्रक जो कोन को मास आ गिवे ई ट्रक का आई इन ट्रक जो कोन को मास आ सा वट गिवे इन ट्रक जो जको सा मास हयो आ इन ट्रक जो मास सा कयो आ m1 आई ओ मा केत्रो तो खणा मा खणा तो पियो 300 किलोग्राम मास ऑफ द ट्रक. ट्रक जे वेलोसिटी सा मजे थी पई वो वेलोसिटी केतरी आ जेके मा u1 चयो आ जेके u1 चयो आ. अच्छा एमसीक्यू जे अंदर ये गिवन कोने ताके पजो पान रखना है तो केड़ो m1 आ किथे u1 आ किथे m2 रखनो आ किथे u2 रखनो सब पजो पान लिखि दे ते जे साउंड m1 आ जे वेलोसिटी सा ट्रक वजे थी पई वो वेलोसिटी आए 10 मीटर पर सेकंड. क्लियर थयो एतरो? अच्छा इन जे सामू केर तो वजे ने सामू कार थी पई वजे इन जे सामू वजे थी पई कार उन कार जो भी को न को मास आ द मास ऑफ द कार इज m2 व्हिच इज गिवन एज 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम मास ऑफ द कार आई बदले में जेका कार रफ्तार सा वजे थी पई u2 वो केती रफ्तार आ वो आए 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार आणि कोलाइड करण खपे या बोल सिनेरियो तो बिफोर कोलिजन आणि छा थी दो स्पीड के जी वधी का ट्रक जी या कार जी तब ट्रक के सामने टकरा जल्दी जीए ही ट्रक कार सामने टकराई द आफ्टर कोलिजन सिनेरियो छा थयो. आफ्टर कोलिजन ये थयो त जेका ट्रक का हुआ ट्रक जे मल कार सामने टकराई त बोथ आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर मना ये ना है त जीए कार के हिट कई त कार अगते हली गई न इन जो मतलब यो आ त जेका ट्रक का हुआ कार सा गद अटैच थई आई अटैच करन था तो अगते हलंदी गई यानी के बोथ आर ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड आई जेका स्पीड आ हुआ ता के मालूम करनी है यानी के विधि जी केंद्रीय स्पीड आ इन के पाण छा चवंदा हूं कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी केंद्रीय कांस्टेंट वेलोसिटी सा अगते भई हलंदा ई वो सा टेक्सी यूज के मा एमसीक्यूज ता के ते वरी एक्सप्लेन में सॉल्व ता ही कर दो बुद्ध वाले ट्रक का ट्रक जो मास भी गिवन है वेलोसिटी भी गिवन है. आगे सामू के थी वजे से कार थी वजे कार जो मास भी गिवन है वेलोसिटी भी गिवन है. ये कोलाइड करने का पहला वाला सिनेरियो है माना m1 u1 प्लस m2 u2 टकराने का बाद वाला सिनेरियो चाहे त भाई एक बे सा टकराया माना ट्रक वजे कार सा टकराई त कार अगते न भाई कार ट्रक सा अटैच ही रही कांटेक्ट में आई कांटेक्ट में ट्रक कार के अंदर खड़ा हो गई तो बदले में इनकी बिनी जी एकड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी होती माने बिनी जी सेम वेलोसिटी वो वेलोसिटी ता पे फाइंड करनी है. हां ये टेक्निक चाहे तो बिनी जी का वेलोसिटी आ हुआ सेम थी भैया समझो आए टकराने का बाद में जेका u1 वाली वेलोसिटी हुआ छा में तब्दील थी भई हुई तैते मा चवा दी ने जी v1 वेलोसिटी जेका u2 ही हुआ छा में तब्दील थी भई हुई तई भई पाण में बराबर क्या बिनी के मा v के बराबर करे आणे त मुखे री कैलकुलेट करणी आहे. इक्वेशन में किठायो इक्वेशन की ठाईदा से बुझो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रखो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम छा है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1. आणे बुझो जेका v1 आ हुआ छाडे बराबर आ आई v2 छाडे बराबर आ त v1 जी जगह ते मा खाली v लिखानो आई बियो प्लस m2 v m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू एने बी मा कॉमन छा है v सर v कॉमन है तो बाकी छा बचो m1 प्लस m2 हे मल्टीप्लाई करे ये छा कदा तेड्स आंसर इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1
प्लस एम टू यू टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ही था इक्वेशन कांस्टेंट वेलोसिटी को लेकर। आगे देखिए सॉल्व करें देखा मासेज रखो ये वेलोसिटी जब कैदरी इस हफ्ता माता सा शेयर करना मुझे माता सा ड्राफ्ट में इंस्टेंट में शेयर करना मौका मिला पर ये कांस्टेंट विल दिसो ये पॉसिबल आता कारण थे डिग्री बने होने जी कभी भी लॉस चुन दी तो इंडिविजुअल ये सब नहीं मां पहली शतान का माइंड कर दिला चाहूंगा बस सिर्फ इक्वेशंस के रियरेंज कराना पर जगह कांस्टेंट वेलोसिटी जो जिक्र करने जो मतलब चाहे यानी जो मतलब है वो था इन कांटेक्ट विद ईच अदर अगर भाई कांटेक्ट में भी छू ना मन अभी नहीं इक्वली वेलोसिटी थी ये फेडरल के अंदर भी आए नहीं के टेस के अंदर भी आया जब मैं ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के फाइंड करने का फार्मूला ये है दे आर कांस्टेंट वेलोसिटी इस्तेमाल पर एमसीक्यूज़ आने देखिए काइंडली के जो वो कैप्चर क्यों तब पाने जो सेकंड केस है चंपा का जिधे पाने जो इनिशियल मोमेंटम के जीरो के बराबर करना है माने के रिस्क क्या हुआ अच्छा हां इन्हें जैसा आ चुका फाइनली सेकंड पॉइंट पे अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो के बराबर जो तू केड़ा केड़ा केसेस की सकन ता हां उन्हें के अंदर भी एमसीक्यूज गिवन आ है गन एक बुलेट जा एग्जांपल्स पढ़ना सी उन्हें जी फॉर्मेशन का साइन लगे सुना सी याद रखिए जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो के बराबर ना हो जे तो जिके पॉइंट्स काइंडली मैं एक्सप्लेन कयो ना उन पॉइंट के अंदर इन कंडीशंस की याद रखी चलो यो सेम डायग्राम थे रुजे इन अ सेम डायग्राम के केसेस दे अगर असन के जो वने इन जी इनिशियल मोमेंटम जीरो के बराबर थी वने इनिशियल मोमेंटम जीरो के बराबर करे दीदी जने वो ऑब्जेक्ट सामने हो जने रेस्ट में सिंपल यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज जीरो इन एन इक्वेशन के रिटाई है ऐसा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 और बुझ जो लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू भाई कने कने छा थिंदो आ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चेंज थी दिया अगर के तामा फेडरल जो बुक पढ़ दो ना ओते u1 न तो लिखे ओते लिखे तो v1 आई u2 के लिखे तो v2 भला को v1 ने v2 के साथ लिखे लिखे तो v1 प्राइम एंड v2 प्राइम तो ना कंफ्यूज ना आए था रिप्रेजेंटेशन आप लिखण जो तरीको आ केड़े तरीके सा भी लिखी सकम ता साइन में सिर्फ कांसेप्ट क्लियर हो जे ता अच्छा इन एंगल के साथ इनिशियल मोमेंटम जीरो ना हो जे ता सिंपली जको फार्मूला आए को इस्तेमाल करना से पर इन के अंदर इफ चाहती वजे इफ इनिशियल मोमेंटम इज जीरो चाह जी इनिशियल मोमेंटम जीरो ऑफ बोथ बॉडीज बिनी बॉडीज इनिशियल मोमेंटम जीरो थी वजे पर इन जी इनिशियल मोमेंटम ए वाली जीरो थी वजे आई ए वाली भी चाहती वजे जीरो तबनी जगह ते जीरो प्लेस करना सी जीरो प्लस जीरो छा जो आ विंदो जीरो इज इक्वल टू इक्वेशन छा बजंदी m1 v1 प्लस m2 v2 अच्छा इन माइक्रो अगर इन साइड खणी जा तो माइनस जो थी विंदो यानी के हिता असा हेयर में डेरे खणी ता से ते जका m1 v1 आ वो बराबर थी पौदी छा जे m2 v2 पर छा जे अंदर
माइनस ये टर्म्स के अंदर, माइनस जो मतलब शायद तुझे डायरेक्शन रिवर्स थी पवन दो, एंड डायरेक्शन की है रिवर्स थी पवन दो, इन जो एग्जांपल्स दिसा था मंजू असा केड़े तरीके से आजा इन जो एग्जांपल्स के डिस्कस करना भी ना से बुद्ध जो वाने सबनी का पहले पहले जो एग्जांपल पहले पहले एग्जांपल में असा वट चाहे एकड़ो बलून आ आई उन बलून के अंदर असा छा कयोआ उन बलून के अंदर असा एयर मौजूद करे छडिया माने एयर प्रेजेंट आ उन बलून के अंदर सिंपली ये सावडी ते बलून आ आई उन बलून के अंदर पान छा कयोआ उन बलून के अंदर असा एयर प्रेजेंट करे छडिया ए बलून आ बलून के अंदर असा एयर मौजूद करे रखी आई ते एयर इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द बलून ठीक आ हाने थिनो छा बुद जो जने जैसे ताई एयर बाहर न निकरंदी माना बलून जे अंदर ही मौजूद आ तो एयर के बाकी की हालत में चाहो स्टेट ऑफ रेस्ट माना उन इनिशियल मोमेंटम चाहे जीरो अच्छा बलून में भी का मूवमेंट कोने माना बलून जी इनिशियल मोमेंटम चाहे जीरो जे बराबर हाने छाती दो हाने माइता ने के पकड़े बिछो आइता मा छड़ी दो मिने के जने छड़ी ना से दे होल क्रिएट थी दो ओना होल मा छा बाहर निकरंदी एयर बाहर निकली हाने जिए एयर बाहर निकली ते एयर जी मोमेंटम होंदी या ना होंदी एयर जी मोमेंटम थी गई यानी एक तो मोमेंटम ऑफ एयर मोमेंटम ऑफ एयर पी ऑफ ए माने कि मोमेंटम ऑफ एयर ओने का बाद में बलून ने जगह ते बीए दो या मते मूव कर दो मते मूव कर दो यानी कि बी मोमेंटम के जीती पौंदी बलून इनिशियल मोमेंटम जीरो आ या फाइनल मोमेंटम अथवा बी दीजी पर फर्क ये थी दो ते जका गैस आ वो आकारे दी निकले डाउनवर्ड ते जको बलून आ वो काले तो वने अपवर्ड ते यानी बी माइनस माइनस तो करे छियामो ओ इते जका माइनस दी दी मा अच्छा p ऑफ a मोमेंटम ऑफ एयर मोमेंटम ऑफ एयर में मास ऑफ एयर खणदासी आई वेलोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ बलून ते एक द मास ऑफ बलून खणदासी बी वेलोसिटी ऑफ बलून खणदासी हां इन चार में अगर असा की कहीं वैल्यू मालूम करनीया असा इजीली मालूम कर सकौ मिसाल तौर माता आगे जवा वेलोसिटी ऑफ बलून को ले निकाले ते m a मल्टीप्लाई तो करे ये जे छा का m b डिवाइड कर दो द वेलोसिटी ऑफ बलून बराबर की पौंदो माइनस m a v a डिवाइडेड बाय m b मां कयो चाहे तही जका माइनस आ इने गेरे डिलीट करे छडियो या अगर ताके वेलोसिटी ऑफ एयर जे होजे तो m a मल्टीप्लाई तो करे ये जे छा का दो डिवाइड कर दो साहब यानी कि अगर ही वैल्यू जीरो की वजह ना मुकम्मल सिर्फ चेंजेस इन में चेंजेस साथ में एवरी प्लस जी थी दी माइनस जी थी फेडरल के अंदर ही एमसीक्यूज गिवन आ बलून के अंदर तो बलून और पर एमसीक्यू याद कर ले एग्जांपल के अंदर अच्छा इन जो भी मिसाल बुद्ध जो है बियो एग्जांपल सेम डायग्राम खेल आए थे जो हो बियो एग्जांपल आज को सा गन आई बुलेट के अंदर डिस्कस करना मोस्ट इंपोर्टेंट आ गन आई बुलेट के अंदर बाकी बुक के अंदर भी गिवन आ भाई ये सा बुलेट आ आई बुलेट के अंदर छाप ले गन आ गन के अंदर सा बुलेट प्लेस करिया जेको जेका गन आ उन जो मास छा खयो आसा कैपिटल एम जे होते मा एम मा खणा पियो ने हेते मा कैपिटल एम खयो आ जेका बुलेट अंदर रखिया उन बुलेट जी जेको मास आ उनके छा जाहिर कयो आसा स्मॉल एम सा अच्छा इनिशियली बुलेट फायर नाहे थे अगर बुलेट फायर नाहे थे द गन में का मूवमेंट कोने यानी कि गन जी वेलोसिटी छा है द मोमेंटम भी छाती दी बुलेट भी बाहर ना निकली माना बुलेट में भी वेलोसिटी कोने तो बदले में वेलोसिटी मोमेंटम वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो यानी कि बिनी की जगह इनिशियल मोमेंटम आवा छा जे बराबर आ जीरो जे बराबर हाने फाइनल मोमेंटम आ फाइनल मोमेंटम की इक्वेशन ता के खबर आ ते एकडी मोमेंटम की जी खणदासी सा गन जी मोमेंटम ऑफ गन डी की जी मोमेंटम खणदासी मोमेंटम ऑफ द बुलेट अच्छा मोमेंटम ऑफ गन खणिया मोमेंटम ऑफ गन में मास ऑफ गन खणदासी एंड वेलोसिटी ऑफ गन मोमेंटम ऑफ बुलेट में छा खणदासी मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट ओने के मा कैपिटल एम सा जाहिर कया या स्मॉल एम सा कोई इशू कोने इने के मास ऑफ गन चो इने के मास ऑफ बुलेट चो अच्छा माइनस में आने से वैल्यू माइनस दी पवंदी आई माइनस जो मतलब सिंपल आ माइनस जो मतलब चाहे जदे बुलेट के ता फायर कन आयो तो जेका गन्ना हुआ काने दी पवंदी आ नेगेटिव इफेक्ट असा रिटार्डिंग वाला केस में जी में कोई ता फोर्स फील थी दो ए नेगेटिव जो मतलब ये तो आने नेगेटिव का समझ जे थी जने बलून जने जने एयर बाहर निकले बलून मते को तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस अच्छी भाई जने बुलेट अगया थी फायर पे गन के पोते देखो भी तो लगे तो आप अपोजिट केस में असा वट दे दी पौंदिया तरे ने माइनस की निशानी अच्छी हुई या ताने इता पे साइन चार मा के ट्रे वैल्यूज मिले होंदियो असा एकडी वैल्यू के इजीली फाइंड आउट कर सको आने यो एंड अप थी पौंदो आ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन का सेपरेट जो कुछ भी कोने
बाकी रहे हो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड इट्स डिफरेंट केसेस वो ऐसा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करना सी हां इलास्टिक कोलिजन सिलेबस में आ है जो को पान बहस करना सी मैं उन्हें का को याद कजो उन्हें का को सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन का अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पर विच में जो टॉपिक का फ्रिक्शनल या फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स उन्हें के पान बहस करना सी एंड देन को पान मूव ऑन करना सी प्रोजेक्टाइल मोशन में।